सतनाम सतनाम करता पुरख करता पुरख निर्भो निर्भो निर्वैर निर्वैर अकाल मूरत अकाल मूरत अजूनी शैभं अजूनी शैभं गुर प्रसाद जप गुर प्रसाद जप आदि सच सच जुगाद सच जुगाद सच है भी सच सच नानक हो सी भी 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 सच हम निर्गुण तू दाता शरण कुमारी सत्संग
भगत शरण तुम्हारे। धन गुरु नानक। आशा जी वार में पंक्ति आती है, आशा महला पहला, वार सलोका नाल सलोक भी महले पहले के लिखे टुंडे असराजे की तुनी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। फिर से श्रवण कीजिए, आशा महला पहला, वार सलोका नाल सलोक भी महले पहले के लिखे टुंडे असराजे की तुनी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। टुंडे असराजे की तुनी, श्लोक भी महल्ले पहले के, वार श्लोक का नाल। कई सारे वारों में श्लोक नहीं है, इस वार में श्लोक भी है, वो भी गुरु नानक पातशाह के। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु हरगोविंद साहिब जी महाराज छेवें गुरु नानक, उन्होंने ये पंक्ति लिखी है। गुरु अर्जन देव जी महाराज ने वचन कर दिए थे क्या वाणी में और एडिशन नहीं होगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु हरगोविंद साहिब जी से कहा था आप एडिशन मत करना और कुछ भी वाणी में, पर आप धुनी ऐड कर सकते हो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बड़े ध्यान से सुनना इस बात को, बहुत लोगों को इसका ज्ञान नहीं होगा। गुरु हरगोविंद साहिब जी की बाणी नहीं है, गुरु हरराय साहिब जी की बाणी नहीं है, गुरु हरकृष्ण साहिब जी की बाणी नहीं है श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी में। फिर सीधा श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी की बाणी है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु हरगोविंद साहिब जी ने पर इसमें धुनी ऐड किया आशा जी दीवार में, और किसकी धुनी? टुंडे असराजे की तुनी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इसके पीछे बड़ी प्यारी घटना है, जब ये घटना गुरु हरगोविंद साहिब जी ने सुनी और वो धुन सुनी तब उन्होंने ये कहा। अब इसके पीछे बड़ी प्यारी घटना है जिसमें महिमा है सत्संगत की। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। आइए कथा सुनिए, बड़ी प्यारी है ये कथा। मेरे छेवें गुरु नानक गुरु हरगोविंद साहिब जी श्रवण कर रहे हैं और उन्हें बहुत भाई ये कथा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। बड़ी प्रेम वाली बड़ी श्रद्धा वाली साकी है, बाकमाल। एक राजा हुए जिसका नाम आया है चित्रकेतु, उसे राजा सारंग भी कहा जाता था। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ज्यादा करके इतिहास में इसका नाम राजा सारंग लिखा है, सारंग राजा। इसके घर में बालक ने जन्म लिया, धर्मी राजा था, ज्ञान वाला था। इसके घर में बालक ने जन्म लिया, 6 साल का हो गया बालक। इसने सारे जितने भी ज्ञानी महाज्ञानी संत महापुरुष सबको इकट्ठा किया, कहने लगा बड़ी जरूरी विचार करनी है, सब आओ। सारे आए, इसके राज्य में जितने भी थे कमाई वाले सबको बिठाया और विचार किए, अपने राजगुरु को भी बिठाया, सबको बिठाया, ज्योतिषियों को बिठाया, कि कहने लगे मैं चाहता हूं मेरा ये बालक, इस बालक का नाम आया अस। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अस आगे चल के जो राजा बना अस राजा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। टुंडे अस राजे की धुनी, राजा सारंग कहता है कि मैं चाहता हूं मेरा ये बालक बहुत शक्तिशाली, बहुत बड़ा धार्मिक राजा हो। एक हुआ है धर्मराज युधिष्ठिर, वैसे मैं चाहता हूँ युधिष्ठिर के जैसे ये मेरा बेटा अस हो, इसका नाम रहती दुनिया तक रहे, मैं चाहता हूँ उसके साथ मेरा नाम भी अमर हो जाएगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये इतना शक्तिशाली हो कि जिस राज्य में, चाहे कोई दूसरा राज्य हो चाहे अपना राज्य हो, जहां पर भी
अधर्म हो रहा हो उस राज्य को ये जीत कर वहां पर धर्म स्थापित करे, इतना शक्तिशाली हो कि इससे कोई लड़ ना पाए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, जो भी युद्ध करे ये जीते, क्योंकि धर्म इसके साथ होगा ये जीतेगा। ये धार्मिक हो, किसी भी प्रकार अपने धर्म से कभी डोले ना। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। देखिए कितने उसने बात कही कि शक्तिशाली हो, कभी हारे ना, धर्म से अडिग रहे, और जहाँ पे अधर्म हो वहाँ पे धर्म स्थापित करे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये कोई छोटी क्वालिटी नहीं है, धर्मराज युधिष्ठिर वाली क्वालिटी मांग रहे हैं। तो सारे संतों सारे महापुरुषों ने एक मता पास किया, कहने के राजन अगर सच में ऐसा चाहते हो कि ये बालक ऐसा हो कि रहती दुनिया तक इसका नाम रहे, लोग इसे याद करें, तो ये काम करना पड़ेगा तुझे। इस बालक को 12 सालों तक अलग कर ले अपने से। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। साधुओं की संगत में रख दे, केवल साधुओं की संगत, ना तेरी रानी मिलेगी, ना इसकी माता इससे मिलेगी, ना तू इसे मिलेगा, कोई भी नहीं इससे मिलेगा, दुनिया से कट ऑफ। 12 सालों के लिए साधुओं की संगत में, भोरे में, भोरे का भाव होता है किसी से मिलना जुलना नहीं, साधु की संगत, वहां पर इसे ज्ञान, वहां पर इसे वेद शास्त्र, पूरा धार्मिक माहौल, और इसके अंदर वो सारे गुण भरे जाएंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सारे बोलिए धन गुरु नानक। इतना नाम का प्रवाह इसके भीतर चला जाएगा कि अपने धर्म से कभी हिलेगा नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये नाम की ताकत है, साधु की संगत की ताकत है, सत्संगत की ताकत है। सारी रात बैठ के इसे सिमरन कराया जाएगा, अमृत वेला ब्रह्म मुहूर्त में इससे जाप करवाया जाएगा, एक एक चीज जैसे साधु कहेंगे वैसा इसका जीवन होगा, और उसी में इसे शस्त्र विद्या सब कुछ दिया जाएगा। राजा ने मन बनाया और अपने बेटे को भेज दिया साधुओं की मंडली में। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अब जंगल में रह रहा है, दिन रात सिमरन भजन कीर्तन, शास्त्रों का अभ्यास, वेदों का अभ्यास, 12 साल। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये 12 साल में कोई बात तो है, दास हमेशा कहता है, इतिहास पढ़ा है, बाबा आनंद सिंह जी को 12 साल घालना घलवाई बाबा मार नाम सिंह जी ने, गुरु अमरदास जी ने गढ़वी की सेवा की 12 साल। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। संत अतर सिंह जी ने महाराज ने हजूर साहब सेवा की 12 साल। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। 12 साल जब कोई एक नितनेम निभा लेता है ना सात संगत जी, कोई एक नितनेम आपका पक्का है, समझो 40 माला मूल मंत्र या 13 माला मूल मंत्र, नितनेम चाहे कम हो चाहे ज्यादा हो, कोई पक्का नेम पक्के समय पर निभा ले 12 साल, चमत्कार होता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। प्राप्ति होती ही होती है, और अगर फिर भी ना हो बहुत बड़ी कहीं गलती हो रही है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। फिर जाओ महापुरुषों से पूछो मुझे 12 साल हो गए नितनेम करते हुए, मेरे साथ मेरी अवस्था क्यों नहीं ऊपर बड़ी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। अब 12 साल बाद ये आया बालक राजकुमार अस। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पिता ने कहा, गले से लगाया, प्यार दिया, खुश हुआ देखकर, क्योंकि बड़ा खूबसूरत, बड़ा शरीर से भी रुष्ट पृष्ट, एकदम शक्तिशाली ताकतवर राजकुमार आया जो धर्म पर अडिग है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तेज उसके चेहरे से दिखता है। राजा ने कहा, अपनी बड़ी माँ से भी मिल लो, मैंने दूसरी शादी की है, छोटी माँ से भी मिल लो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, छोटी रानी से भी। वो चला गया, बड़ी माँ से मिला, बड़ी माँ ने बड़ा प्यार दिया, जिसका ये पुत्र था असल में। बड़ी माँ रानी कहने लगी, छोटी माँ से भी जाके मिला उसके कक्ष में। छोटी एक जवान लड़की थी जिसने राजा ने शादी कर ली। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, राजा सारंग ने। छोटी उम्र छोटी लड़की, जवान लड़की, और राजा बूढ़ा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अस राजकुमार जब छोटी रानी के पास गया तो कहने लगा, माता मुझे आशीर्वाद दो। पांव छूने लगा, उसने पांव पीछे कर लिए। कहने की, मेरी उम्र तो देख, मैंने तुझे जन्म नहीं दिया है, मेरी तो मजबूरी में यहाँ शादी हो गई, मेरे माता पिता ने धन के लालच में मेरी शादी इस बूढ़े राजा से कर दी, तेरे पिता से। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कहने लगे, तू इतना सुंदर है, मैं इतनी खूबसूरत हूँ, मैं भी जवान हूँ, मुझे माँ मत बोल, मेरे साथ प्रेम का संबंध बना। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये कहने लगे, माता मैं तो ऐसे सोच भी नहीं सकता, आपने मेरे पिताजी से ब्याह किया है, शादी की है, मैं इस पाप के बारे में तो विचार भी नहीं कर सकता, आप मेरी माता समान हो, माता ही हो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अब ये छोटी रानी बहुत जिद कर रही है इसके साथ,
पर ये अपने धर्म से हिला नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। 12 साल का सत्संगत नाम ये नहीं हिला और वहाँ से चला गया। काफ़ी समय वाद विवाद चला, ये वहाँ से चला गया। अब छोटी रानी हो गई नाराज, गुस्से में, क्रोध में, राजा के पास जाके कहने लगी, आप कहते हो कि आपका बेटा बड़ा धार्मिक बन के आया 12 साल लगा के, इसने मेरे कक्ष में आके मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। अब राजा सारंग हैरान हो गया कि ये कैसे हो सकता है, पर बुद्धि भ्रष्ट हो गई छोटी रानी के मुंह में। इसने कुछ ना सोचा, जल्लादों से कहा कि मुझे ऐसा बालक अपना बेटा नहीं चाहिए, मैंने तो इसे सत्संगत में 12 साल रखा अपने से दूर, कि धार्मिक हो क्या है, ये अपने धर्म पर अभी नहीं टिका, आगे क्या टिकेगा, इसे ले जाओ, इसे मौत के घात उतार दो और इसका एक हाथ काट के ले आना निशाने के लिए कि मैं समझूं इसे मार दिया तुमने। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। क्या पंक्ति आती है, लिखे टुंडे असराजे की धुनी, टुंडा ये अस राजा टुंडा हुआ, टुंडा किसे कहते हैं जिसका हाथ ना हो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, एक हाथ ना हो ना उसे टुंडा कहते हैं। जल्लाद ले गए, पर जल्लाद जानते हैं कि ये बेकसूर है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, क्योंकि कहने की ये ऐसा कर ही नहीं सकता, उस छोटी रानी के स्वभाव को भी जल्लाद जानते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। निरंकार उनके हृदय में आके बैठा, आपस में विचार कर रहे हैं कि इसे कत्ल नहीं करना चाहिए हमें। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तो विचार करके क्या किया, कहने लगे इसका एक हाथ काट के ले जाते हैं और इसे कुएं में फेंक देते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अगर निरंकार ने बचाना हुआ तो बचा लेगा, मारना हुआ तो मार देगा, हम नहीं मारते। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हम क्यों पाप कमाए, इसका एक हाथ काट दिया, हाथ काट कर लेके राजा को दिखा दिया, राजा अपनी लाइफ जीने लग गया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और यहाँ पर एक कुएं में बैठा है, रात को बंजारों को टोली वहां से गुजरी है, बंजारों की जो बिजनेस करते हैं ना अलग अलग शहरों में जाकर, अलग अलग राज्यों में जाकर, प्यास लगी, कुआं देखा, बाल्टी अंदर डाली पानी खींचने के लिए, तो इसने बाल्टी एक हाथ से पकड़ ली। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वो खींच रहे हैं, इतना वजन देखकर सबने खींचा, पता नहीं क्या है, तो बाहर निकला तो देखा एक जवान लड़का जिसका एक हाथ कटा हुआ है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इन्होंने मरम पट्टी की ओर कहने लगे, हाँ तुझे तेरे घर छोड़ देते हैं। कहने लगे नहीं, मेरे माता पिता ने ही मारने के लिए मुझे यहाँ भेजा है, मरवाने के लिए जल्लादों के हाथ से, मुझे वापस घर नहीं जाना, नहीं कहा कि मैं राजकुमार। तो बंजारे इसे अपने साथ ले गए दूसरे राज्य में, पड़ोसी राज्य में। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अब वहां पर पहुंचे तो वहां धोबी घाट पर रुक गए, धोबी कपड़े धो रहे हैं। एक धोबी का ध्यान गया इस पर, कहने लगा मैं सारे कपड़े आपके मुफ्त में धो देता हूँ। बंजारों से कहा ये लड़का मुझे दे दो, मेरे पास कोई है नहीं नौकर काम करने के लिए, ये मेरा काम कर देगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बैल के ऊपर कपड़े लाद कर ले जाएगा, ले आएगा, मेरी मदद हो जाएगी। तो बंजारों ने कहा हमारी भी जान छूटती है, इसे कहाँ संभालेंगे, है तो टुंडा, हाथ भी नहीं है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। देखिए एक लड़का जिसने 12 साल तप किया, नाम जपा, अमृत वेला संभाला, एक जीवन है उसका, उसके जीवन में भी दुख आए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हम कौन होते हैं गुरु को कहने वाले मुझे ये दुख क्यों आया। वाणी कहती है अगर जन्म लिया है दुख और सुख तो चलते ही रहेंगे, आज अगर दुख है तो कल सुख है, कल सुख है तो परसों दुख है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। ये कभी मत कहा करो कि मैं मुझे इतना दुख क्यों आया, नहीं दुख आना ही है। गुरु से ये अरदास करो पाछा इतनी अवस्था बख्श दे के दुख दुख ना लगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। और ऐसा होता है, कितनी बार कितने पहलू आए हैं ऐसे कि गुरु वो अवस्था बख्श देता है कि दुख दुख नहीं लगता, आदमी मुस्कुराता है, लोगों को लगेगा ये दुखी है, इस पे इतना दुख का पहाड़ टूटा है, वो अंदर से मुस्कुरा रहा होता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। क्यों, सूरत जुड़ी होती है नाम से, सूरत जुड़ गई तो दुख दुख नहीं लगता, उसका भाना लगता है, तेरा किया मीठा लागे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। अब इस पर इतने दुख आए, राजा का बेटा धोबी घाट में धोबी के बैल में कपड़े उठा के ले जा रहा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक।
अब क्या हुआ? नेत निरंकार के उस राज्य का राजा मर गया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, जिस राज्य में अब ये पहुंचा है, सारे मंत्रियों ने भी विचार किया कि अब धार्मिक राजा चाहिए हमें भी, जो राज्य में धर्म स्थापित रखे। कैसे करें, किसको बनाए? और वो कानून था कि मंत्री राजा नहीं बन सकता, और राज्य का कोई बेटा नहीं था। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तो सारे महापुरुषों को इकट्ठा किया फिर से, उस राज्य के मंत्रियों ने भी, कि आप कोई ऐसा कोई तरीका बताओ कि हमें कोई योग्य राजा मिल जाए, जो बहुत कमाई वाला हो, धार्मिक हो, पुण्य वाला हो, दयावान हो, जिसमें प्रजा सुखी रहे। तो महापुरुषों ने कहा, नगर के चारों दरवाजे बंद कर दो, ताले लगा दो उस पे, हम मंत्र जाप कर देते हैं तालों के ऊपर और निरंकार से प्रार्थना करते हैं कि ये ताला किसी चाबी से ना खुले। जब किसी बहुत बड़ी पुण्य आत्मा, जिसके बहुत अच्छे संस्कार हो, बहुत ज्यादा पुण्य हो, जिसने सत्संगत बहुत की हो, जिसका हृदय दयावान हो, उसका हाथ लगे, तब ये दरवाजा, ये ताला अपने आप खुले। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। अब ये गया हुआ है धोबी के साथ घाट पे, अस राजकुमार। धोबी कहता है, कपड़े लेकर राज्य में वापस चला जा, मैं आता हूँ। ये जा रहा है, देखा दरवाजे बंद है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बहुत लोगों ने हाथ लगाए ताले पर, किसी से नहीं खुला, पर जब इसने अपना टूटा हुआ हाथ, कटा हुआ हाथ ताले को छुआया, टच किया, ताला खुल गया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। ये ऐतिहासिक घटना है, गुरु हरगोबिंद साहब जी सरवण कर रहे हैं संगत में। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और जिसका नाम आ गया आसा जी दीवार में, टुंडे अस राजे की तुनी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और ये कैसे खुला ताला? नाम की ताकत। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, नाम की ताकत। ये नाम, ये सत्संगत किस्मत का ताला खोल देगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सत्संगत की इतनी बढ़ियाई है ना, सत्संगत जी को यहाँ मन करके बैठा हो, कहीं उसका नुकसान होने वाला हो वो भी कट जाता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सबने घटना सुनी है, रानी की खड़ाव कैसे जुड़ गई थी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। आइए दो पंक्तियां पढ़ लेते हैं। मानो मानो सत्संगत शरण तुम्हारी, सत्संगत शरण तुम्हारी। बोलिए धन गुरु नानक। ताला खुल गया, मंत्रियों ने इसे राजा बना दिया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वो कहने लगा, मुझे क्यों राजा बना रहे हो? कहने लगे, नहीं, आपके हाथ लगने से ही ताला खुला है, राजा बन गया। इसने ऐसा धर्म का राज स्थापित किया, काफी साल बीत गए, कि नगर में कोई दुखी नहीं, सबके पास सब कुछ है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सब सुखी हैं, फसल इतनी ज्यादा होती है कि इकट्ठे करने की जगह नहीं रखने की। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जब धर्म का राज हो ना, तो कोई तकलीफ नहीं होती राज्य में। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पर इसके पड़ोसी राज्य, जहां पर इसके पिता का राज्य था, जहां से इसे निकाला गया था, मृत्यु दंड दिया गया था, वहां पर अकाल पड़ गया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अकाल पड़ गया, लोग भूखे मरने लग गए, खाने को कुछ नहीं, क्योंकि बरसात ही नहीं हो रही वहां पर। पड़ोसी राज्य है, बरसात यहाँ पर होती है, वहां नहीं होती। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, क्योंकि अधर्म है वहां पर। उस राजे की छोटी माँ से जो दो बेटे पैदा हुए, एक का नाम है सुल्तान, एक का नाम है खान, उन दोनों ने इतने जुल्म किए कि वहां पे अधर्म का राज हो गया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अब राजा भी परेशान है, इसने मदद मांगी इस राजे से, इसे नहीं पता इसका बेटा अस यहाँ का राजा बन चुका है। इसने मदद मांगी राजे से,
राजा अस ने, अस राजा ने इतना ज्यादा अनाज भेज दिया वहां पर कि वो हैरान हो गया, क्योंकि बहुत सारे राज्यों से मदद मांगी थी, किसी ने मदद नहीं की, पर अस राजा ने गोदाम भर दिए वहां। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। राजा हैरान हुआ, इतना दयावान कौन है, इतना कुछ भेज दिया और मांगा कुछ भी नहीं। शुक्राना करने के लिए खुद गया वहां पर और इसे देखकर भी पहचाना नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। समय बहुत बीत चुका था तो कहने लगा, आपका धन्यवाद, आपने इतना अन्न भेज दिया और मांगा इसके बदले कुछ नहीं, मैं आपको धन्यवाद करने आया हूँ। तो अस राजा कहता है, पिताजी धन्यवाद किस बात का, बेटे का तो फर्ज होता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वो हैरान हुआ, ये तो मेरा बेटा अस है, कहने का तू बच कैसे गया। तो उसने सारी घटना बताई कि छोटी रानी ने क्या कहा था और मैंने क्या किया था और आपने क्या किया था। राजा बहुत शर्मिंदा हुआ, राजा सारंग बहुत शर्मिंदा हुआ, आंखों से आंसू आ गए कि मैंने तेरे साथ क्या किया है और उसका बदला ही मुझे मिला कि मेरे राज्य में अकाल पड़ गया है और ऐसे पुत्र मिले हैं कि जिन्होंने प्रजा का जीना हराम कर दिया है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अब तू आ जा, मैं तेरे हाथ जोड़ता हूँ, ये राज्य के साथ अपना राज्य भी संभाल जो तेरा है, जिसकी वजह से मैंने तुझे मांगा था। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, जिसकी वजह से मैंने तुझे 12 साल अपने से दूर रखा था। तो कहते हैं, पिताजी आप चलो, मैं आता हूँ कुछ दिनों में। जब राजा सारंग वापस गया, बच्चों को पता चला, खान और सुल्तान को, कि ये अस राजा को अपना राज्य देना चाहता है, उन्होंने पिता को पकड़ कर जे कारागार में डाल दिया, जेल में। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। अब जब अस राजा को पता चला तो यहाँ पर एक भीषण युद्ध हुआ, राजा अस के राज्य में और खान और सुल्तान की सेना के बीच, और जीत तो होनी ही थी अस की। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। एक हाथ से भी इतना बड़ा योद्धा था महाबली ये कि कोई इसके सामने खड़ा नहीं रह पाता था, जबकि एक हाथ नहीं था। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इसने सबको हरा कर अपने पिता को जेल से छुड़ाया, वो राज्य संभाला, धर्म का राज स्थापित किया। उसके बाद जो इसके पिता की इच्छा थी, पूरे भारतवर्ष में कहा जा रहा है कि जहां जहां भी अधर्म का राज हुआ, इसने वहां पर हमला कर दिया, उस राजा को हराया और धर्म का राज स्थापित किया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तो राजा अधर्म करने से डरने लग गए, अपने आप धर्मी हो गए, क्योंकि अगर हमने अधर्म किया ये चढ़ाई कर देगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और जब भी हर राज्य में जब ये कहीं से गुजरता था तो इसके आवभगत में एक धुनी बजती थी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वो धुनी बजती थी, वो धुनी इतनी अच्छी लगी गुरु हरगोविंद साहब जी को, उन्होंने कहा कि आशा जी दीवार को इस धुनी में भी गाया करो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और अस राजा के नाम अमर हो गया, क्योंकि वो गुरु हरगोविंद साहब जी ने उसका नाम शामिल कर लिया वाणी के साथ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। और वो धुनी क्या है, हर अमृत पिन्ने लोयणा, पिन्ने लोयणा, मन प्रेम रतन राम राजे, रतन राम राजे, हर अमृत पिन्ने लोयणा, राम कसवटी लाया, कंचन सोविन्ना, कंचन सोविन्ना, कंचन सोविन्ना, हर अमृत पिन्ने से बोलिए धन गुरु नानक। ये धुनी भी अमर हो गई। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। लिखे टुंडे अस राजे की धुनी, जहां से भी अस राजा गुजरता था वहां पर ये धुनी बजाई जाती थी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और आशा जी दीवार के श्लोक गुरु हरगोविंद साहब जी कहने लगे, इस धुनी में भी गाया करो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। अब यहाँ पर सवाल क्या खड़ा होता है, क्यों वो धर्म से नहीं डिगा,
क्यों दरवाजा खुला, क्यों गुरु हरगोविंद साहिब जी ने उसका नाम अमर कर दिया सतसंगत। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। 12 साल जो उसने साधुओं की संगत की, नाम जपा ऐसा रंग चढ़ा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। यहाँ पर वो वचन याद आ जाते बाबा महा हरनाम सिंह जी के, माताओं बड़े ध्यान से सुन लो, दास बहुत बार कहता है। बाबा माँ हरनाम सिंह जी के पास कोई आ गया था, सवाल किया था, पाछा आप कहते हो कि जब बेटा कोख में हो, बालक कोख में हो, बच्चा कोख में हो, तब नाम जपो तो भगत पैदा होता। अब हमसे भूल हो गई है, हमने नहीं जपा, बच्चे ने जन्म ले लिया, तो अब क्या करें। तो कहने लगे माता अगर 1 साल तक बच्चा चाहे सो रहा है, चाहे दूध पी रहा है, चाहे खेल रहा है, अपने नित्यनेम के अलावा माता अगर एक श्री सुखमणि साहिब जी का पाठ पढ़ती है उस बालक के लिए 1 साल तक केवल अमृत वेले, ध्यान से सुन ले माता, वाणी की ताकत देखो, माता अगर बालक खेल रहा है, सो रहा है, चाहे दूध पी रहा है, पास में बैठकर अपने नित्यनेम के अलावा अगर एक पाठ श्री सुखमणि साहिब जी का करती है, तो बालक बड़ा होकर गुरुमुख ही बनेगा, मनमुख नहीं बन सकता। इतनी बड़ी ताकत है वाणी की। एक सुखमणि साहिब जी का पाठ 1 साल तक माता सुना दे अपने बच्चे को, क्योंकि बुरी संगत आएगी उसे लेने, पर उसका असर उस पर नहीं होगा, क्योंकि सुखमणि साहिब जी की वाणी अंदर रच चुकी होगी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। संभाल लो, समय निकल गया तो अब संभाल लो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। सतसंगत, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। माधो माधो सतसंगत शरण तुम्हारे, सतसंगत शरण तुम्हारे, रह बिना पर साध वरतावे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कल पॉइंट यहाँ पर छोटा था, लंगर प्रसाद पर। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सत्संगत में एक हिस्सा सत्संगत का लंगर भी है ना। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। एक्चुअली में लंगर एक सपोर्ट है, बड़ी ध्यान से सुनना, ये बहुत मेन पॉइंट है। ये जितने भी स्थान के जितने भी प्रबंधक हैं सब सुन लें, और ये तो हर प्रबंधक को तो जरूर सुननी चाहिए ये बात, किसी भी गुरुद्वारे का वो हो, क्योंकि हमने सत्संगत से ज्यादा महानता लंगर को दे दी है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। लंगर बहुत जरूरी है, पर लंगर सत्संगत की वजह से लंगर है, लंगर की वजह से सत्संगत ना हो जाए कहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मेन पॉइंट है सत्संगत, लंगर उसकी सपोर्ट के लिए, कि आदमी खाकर बैठे, तृप्त होकर बैठे, ताकि उसका मन जुड़े। ये नहीं कि बाहर 36 प्रकार के भोजन लगे हों और अंदर बैठने वाले के मन बाहर हों। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। और आजकल ये ट्रेंड बन गया है, खास करके आप नॉर्थ साइड में चले जाओ, बॉम्बे में भी, बीच में यहाँ पे इतना बड़ा कीर्तन दीवान हुआ बॉम्बे में, सारे बड़े से बड़े रागी, जितने भी गाने वाले रागी होते हैं, बड़े नाम वाले, सबको बुलाया गया। जू पर प्रोग्राम था और रागी, हर रागी एक ही अनाउंसमेंट कर रहा था, भाई अंदर आ जाओ, अंदर आ जाओ, जगह खाली पड़ी है, इतनी संगत आई है, हम जब आए हैं रास्ते भरे पड़े हैं, पर अंदर कोई आ ही नहीं रहा, बैठ ही नहीं रहा, क्यों? बाहर 36 प्रकार के लंगर चल रहे हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। एक बार दास को दिल्ली बुलाया गया एक जगह पे, कुछ साल पहले की बात है, कीर्तन करने। वो जहाँ से कीर्तन करने के लिए जाना था ना, इतना ही लंबा रास्ता था, जहाँ से समझो वो किशोर पेटी से यहाँ तक गेट तक लाइन से पकवान बन रहे हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और स्टॉल्स लगे हुए हैं। अब मैं कीर्तन करने जा रहा हूँ, मेरा मन भी खाने का कर रहा है, तो संगत का कहाँ मन करेगा बैठने का? मेरी तो मजबूरी है, मुझे बैठ के कीर्तन करने में रुक नहीं सकता, संगत के पास क्या है, वो तो बैठ के खाएगी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और वो ट्रेंड है अभी, इतना सारा लंगर की, और जब कहो ना कि पहले कीर्तन होने दो फिर लंगर चालू करो, तो पता है जवाब क्या मिलता है? गुरु अमरदास जी का ये वचन है कि पहले पंगत फिर संगत। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सही है, पहले पंगत फिर संगत। पंगत में दाल रोटी है, सादा लंगर होता है,
बैठ कर उसके बहुत सारे गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने इसके बारे में पूरा रहतनामा उच्चारण किया है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक के लंगर बनना कैसे है, बनाना कैसे है, बांटना कैसे है, करना क्या है, कहाँ बैठ के खाना है, खड़े होकर खाना है कि बैठ के खाना है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अगर शेफ बना रहे हैं खाना, अगर बनाने वाले जो बाहर से पैसे देकर बना रहे हैं खाना, वो लंगर नहीं है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। लंगर प्रसाद जो संगत बनाए नाम जपते हुए। गुरु अमरदास जी ने जब कहा था पहले पंगत फिर संगत, 24 घंटे कीर्तन चलता था। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जैसे हरमंदिर साहब में 24 घंटे कीर्तन चलता है, तो आदमी 2 घंटे बैठा, 3 घंटे बैठा, थक गया, फिर भूख लगी, चला गया, फिर आके फिर सुन सकता है। जब दीवान ही 2-3 घंटे का हो, लोग दूर दूर से आए हो, कितना खर्चा किया हो, किस लिए किया है कि जीवन किसी का बदले। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। किस लिए किया है कि कुछ सीखने को मिले, कि आटा खाने आए हैं यहाँ पर। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। भोजन तो रोज खाते हैं सब। जब सत्संगत रखो, जब दीवान रखो, तो पहले भोजन खिला के भेज दो, एक बार कीर्तन शुरू हो जाए, उसके बाद लंगर बंद कर दो, फिर समाप्ति के बाद लंगर, क्योंकि असल मकसद लोगों का जीवन बदलना है, खाना खिलाना नहीं। खाना लोग रोज खाते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। आपने इतना खर्चा किया है, क्योंकि मैं जहाँ भी प्रोग्राम होता है ना कीर्तन का, ये प्रॉब्लम आज फेस करनी पड़ती है, मुझे समझाना पड़ता है। वो कहते भाई साहब लंगर कैसे बंद करें, संगत खाने बैठी है। अरे संगत लंगर खाने के लिए बुलाई है आपने कि कीर्तन सुनने के लिए बुलाई है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जीवन पलटेगा कीर्तन से, सत्संगत से, के लंगर से। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। खाकर, थोड़ा खाकर तृप्त होकर बैठना है, लंगर इसलिए है। दूसरा, बाद में लंगर इसलिए रखा है, उसके कारण है कि जो माताएं बहनें बैठी हैं वो बेफिक्र होकर सत्संग सुने, आनंद ले, कि घर जाके खाना फिर बनाना नहीं है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये कंसेप्ट था। जोड़ा घर क्यों बनाया है, चप्पल ऐसे भी उतार के जा सकते हैं कि अंदर बैठ के कहीं यही ना डर रहे कि मेरी चप्पल कोई ले जाएगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अब इसी डर में बैठे रहा, कोई महंगा जूता पहन के है, मेरा कोई ले जाएगा तो ध्यान कैसे जुड़ेगा। इसलिए जोड़ा घर बनाया है कि तुम चिंता मत करो, तुम्हारे जोड़े सेफ हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। यहाँ पर बैठे निश्चिंत होकर ना चप्पल का डर रहे, ना भोजन का डर रहे कि कीर्तन के बाद खाना मिलेगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये नहीं कि कीर्तन छोड़ के बाहर खाते बैठे। अभी लंगर है क्या, लंगर को प्रिंसिपल सतवीर सिंह जी, भाई कान सिंह नाबा ने बड़ा प्यारा डिस्क्राइब किया है। जहाज जाता है पानी में, जब उसे रोकना होता है तो एक लंगर छोड़ते हैं, पता है ना, उसे लंगर कहते हैं जो छोड़ते हैं। वो धरती पर जाकर गिरता है, बहुत हैवी होता है, और जहाज रुक जाता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अब पानी में ब्रेक नहीं होती, लंगर से रोकते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। टायर तो चल नहीं रहे, एक बड़ा सारा लंगर फेंकते हैं जिससे धरती पर जाके वो रुकता है और शिप रुक जाती है। लंगर क्यों नाम दिया गया इसे, नीचे धरती पर जाकर। जब गुरु अमरदास जी ने लंगर का प्रथा शुरू की, उस वक्त ऊंची जात नीची जात भेदभाव बहुत ज्यादा था, उसे खत्म करने के लिए गुरु अमरदास जी ने यह फैसला किया कि आज के बाद जो भी अंदर दर्शन करने आएगा पहले पंगत में बैठकर लंगर खाएगा, भाव सब अमीर गरीब छोटी जात बड़ी जात एक साथ धरती पर बैठकर भोजन खाएगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पहले मन से भेदभाव मिटाए, विनम्र होकर अंदर आए, तभी तो कुछ लेके जाएगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। क्योंकि अहंकार में भीतर है तो कुछ मिलेगा नहीं, और उस समय ये बहुत ज्यादा प्रचलित था कि मैं बड़ी जात वाला छोटी जात के साथ नहीं बैठूंगा। गुरु अमरदास जी ने असल में इस कंसेप्ट को खत्म किया, बड़ी जात छोटी जात। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अकबर राजा भी जब मिलने आया था ना, अकबर राजा गुरु अमरदास जी के बाहर खड़ा हो गया कि दर्शन करने, तो गुरु अमरदास जी ने सेवादार से कहलवाया कि पहले पंगत में बैठ कर लंगर छक कर आओ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तो अकबर राजा पंगत में बैठकर भोजन खा के आया था सबके साथ, कॉमन मैन की तरह। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तब गुरु अमरदास जी ने उसे दर्शन दिए थे, ये कंसेप्ट था उस वक्त, आज भी है। अगर कीर्तन में बैठना है, बाहर से घर से कुछ खा के आए, बाहर से उस वक्त लंगर चल रहा है, पर कीर्तन में बैठने के बाद लंगर के लिए तो मत उठो। वो बॉम्बे में हर रागी यही अनाउंस करता रहा कि भाई आ जाओ अंदर आ जाओ। और आप कोई भी दीवान देख लो जहाँ बहुत सारे कीर्तन चल रहा होता है और 5-6 घंटे का कीर्तन होता है और बाहर स्टॉल लगे होते हैं, हर कीर्तन ये है कि हर
प्रबंधक अनाउंसमेंट कर रहे थे हर थोड़ी थोड़ी देर बाद, भाई जो बाहर खड़े हैं, जो बातें कर रहे हैं, जो लंगर छक लिया, अंदर आ जाओ बैठो, कीर्तन या कीर्तन कर रहे हैं, कोई सुनने वाला नहीं है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये कितनी बड़ी निरादरी है गुरबाणी की, कि गुरु की बाणी को छोड़ के हम पेट पूजा में लगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। माधो माधो सत्संगत शरण तुम्हारी, हाँ सत्संगत शरण तुम्हारी, लंगर की मर्यादा जो गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के बच्चे ने दास लिख कर लाए, सर्वन कर लीजिए, बहुत जरूरी है। 5-10 मिनट में, 15 मिनट में सवा 6 तक दास भोग डाल देगा। स्नान सुच्चे बस्तर नाम जपते हुए, स्नान अगर नहीं किया हुआ, सुच्चे बस्तर नहीं पहने हुए, स्नान किए बिना कोई लंगर बनाता है पाप कर रहा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, क्योंकि इसका भोग लगना है गुरु को, फिर नाम जपने वाली संगत ने खाना है। बाबा मां हरनाम सिंह जी इतना ज्यादा नाराज होते थे अपने सेवादारों पे, एक बार बैठे थे, अंतर्जामी थे, कमाई वाले हाथ की, अचानक अपने सेवादार को भेजा, कहने लगे जनेलिया जाके बोल कि वो बातें कर रहे हैं जो लंगर बना रहे हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, बैठे कहाँ है, लंगर हॉल में जहाँ लंगर बन रहे वहां कहने बातें कर रहे हैं, और उन्हें बुलाओ। बुलाया तो इतना ताड़ने के, कहने के पता है तुम्हें कितनी बार समझाया कि यहाँ पे जो लंगर बनता है नाम जपने वाली रोए खाती हैं, अगर बातें करते हुए बनाओगे उनका मन नहीं जुड़ेगा नाम में। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, पाप किसके ऊपर इसका, इतनी ताड़ना करते थे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, लंगर में वो ताकत है सात संगत जी, कई लोग लंगर लेते नहीं, इस बात को भी समझ लेना, कई लोग लंगर खाते नहीं कि हमारे घर में सब कुछ है हमें क्या जरूरत है, और लंगर सर पे वजन है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, महापुरुष समझाते थे लंगर जरूर लेना है, चाहे एक नहीं वाला लो और हाथ फैला कर लो। बाबा कुंदन सिंह जी के वचन, जो दो हाथ फैला कर लंगर लेता है ना, उसे किसी और के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ता कभी दुनिया में, ये लंगर की बढ़ियाई है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, जो दो हाथ लंगर के लिए फैला दे, अगर मन में ये है कि मैं बड़ा हूं मुझे जरूरत नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, और दूसरी बात कहते थे लालच से भी नहीं खाना, जितना मिले उतना खाना है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, फिर वो वजन है सर पे, जब कोई लालच करके खाता है तो अपने नितने में से हिस्सा देता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, दोनों बातें हैं यहाँ पर, खाना भी जरूर है और लालच भी नहीं करनी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के वचन दास शॉर्ट में लिख कर लाया, नहीं तो इतनी सारी पंक्तियां पढ़ने में ही आधा घंटा निकल जाएगा। पाँव में चप्पल ना हो श्रद्धा से बनाए, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, ये लंगर प्रसाद बन रहा है, तंबाकू बीड़ी वाला लंगर बनाने में शामिल ना हो ना बांटने में शामिल हो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, सुचमता से भाव, कभी भी स्वाद ना चखे लंगर बनाने के बाद नमक कैसा है, जैसा भी है गुरु कृपा करेगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, स्वाद देख लिया झूठा हो गया, सुचमता से बनाए, हो सके तो मुंह पे कपड़ा ही बांधे, क्योंकि नाम जपते हुए कभी कुछ बोलते हुए थूक गिरती है मुंह से। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, सुचमता इतनी जरूरी बताई है ना, जो यहाँ पर 99% कोई संभालता ही नहीं, एक दूसरे का झूठा खाते रहते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, और इसे बड़ा छोटी बात समझते हैं। एक्चुअली में कैसे है ना, अगर लेवल ये है ना नर्सरी वाला, तो इन चीज़ों से फर्क नहीं पड़ता। जब आदमी 10th, 9th, 11th में पहुंचता है ना स्कूल में, गुरु नानक स्कूल की बात कर रहा हूँ, तो छोटी छोटी बातों से फर्क पड़ता है, मन खिंडता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। जूठा खाना जूठा देना अमृत छकते वक्त दोनों की मनाही की जाती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, कि ना अपना जूठा देना है ना अपना जूठा किसी का जूठा खाना है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। अरदास भोग लगे मर्यादा से, तभी वह लंगर प्रसाद है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, सुचमता से बनने के बाद, ये सारे पहलू होने के बाद अरदास हो, और अगर लंगर प्रसाद, हमारे यहाँ तो सिस्टम अलग है ना, सुबह सुबह सबको जाना होता है पार्सल लेते हैं, वैसे जो लंगर प्रसाद की मर्यादा है धरती पर बैठ के खाने की है, कुर्सी टेबल पर नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक,
एक मजबूरी होती है, किसी के घुटने में तकलीफ है तो वो कुर्सी पे बैठा है, कोई ऐसे ही बैठा है गुरु साहब जी की हजूरी में कुर्सी पे, ऐसे ही पाप है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। लंगर खाना भी जरूर है, लालच भी नहीं करनी। भाई साहब भाई वीर सिंह जी लिखते, जब लंगर प्रसाद लो ना तो ये मन में धारणा जरूर लाओ, पता नहीं किस नाम जपने वाले के हाथ से आज ये बना है। कहते थे कई बार एक महापुरुषों के हाथ से मिला हुआ लंगर कपाट खोल देता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। इसके बाद आती है कड़ा प्रसाद की मर्यादा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, वो किसी और दिन लेंगे, समय हो गया है, क्योंकि वो बहुत डिटेल में है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। गुरु मेहर करे हमें संगत में आना आ जाए। बहुत पहले गुरु ने समझा दिया, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने, आना कैसे, बैठना कैसे, जाना कैसे, लंगर प्रसाद कैसे लेना है। बेनती है दास से, लंगर प्रसाद लेते वक्त चप्पल उतार के ले लिया करो, लेके चप्पल पहन लो, एक रिस्पेक्ट होती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, ना बांटने वाले पैर में चप्पल पहने, ना लेते वक्त पहनो, क्योंकि यहाँ पर पार्सल का सिस्टम है, तो चप्पल उतार के श्रद्धा के लिए, एक सेकंड के लिए चप्पल उतारने में क्या जाता है। लंगर प्रसाद ले लो, गुरु की कृपा मिलती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, जितना सत्कार हम गुरु का करेंगे उतनी ज्यादा सुमत मिलेगी, बाबा आनंद सिंह जी के वचन। धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। ओछा जन्म हमारा, ओछा जन्म हमारा। राजा राम की सेव न की, कह रविदास चमारा। राजा राम की सेव न की, कह रविदास चमारा। Shut up.
पाती ओछा ओछा जन्म वचना दा गुरु जे तुसे निभाया हर वादा तेरी रजा विच राजी हर वेले हुण रहना सुख होवे दुख होवे मोह कुछ नहीं कहना सुख विच शुकराना दुख विच फरियादा हर हाल विच दाता बस तेरिया ही यादा है न दिता है दुर्बा की वे जिक्र करा मैं हर दम हर वेल गुरु जी तुहाडा शुक्र करा मैं किन्ना लफ़्ज़ा च गावा महिमा मैं तेरिया दाता हर हाल च निभाया तुसा साडे नाल नाता बाफण के हमेशा चंगे पासे वल तूरा असी अद्धे ते अधूरे तू है पूरण ते पूरा गल साहिल दी तुसा एक वार भी ना टाली ताइयों हर कोई होया गुरु जी तुहाडे दर दा सवाले पुनीत तेरा बछड़ा गुरु जी की वे शुकर करा मैं जिस हाल विच रखे तुहाडा शुकर करा तुहाडा शुकर करा मैं गुरु जी तुहाडा शुकर करा
ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਾਂ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਾਂ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਾਂ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਾਂ ਤੁਸਾਂ ਲੱਗਿਆ ਤੋੜ ਨਿਭਾਈਆਂ ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਾਂ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਾਂ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਾਂ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਾਂ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਾਂ ਤੁਸਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਤੋੜ ਨਿਭਾਈਆਂ ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਾਂ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਾਂ ਦਰਬਾਰ ਬੁਲਾਇਆ ਚਰਣਾ ਵਿੱਚ ਲਾਇਆ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਭੁਲਾਇਆ ਆਪੇ ਅਪਣਾਇਆ ਹੰਕਾਰ ਮਿਟਾਇਆ ਧੀਰਜ ਉਪਜਾਇਆ ਦੇ ਕੇ ਨਾ ਜਤਾਇਆ ਸਾਨੂੰ ਪਾਰ ਲਗਾਇਆ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਾਂ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਾਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਬਥੇਰਾ ਪਲ ਪਲ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਜਦ ਹੋਵੇ ਹਨੇਰਾ ਜਦ ਹੋਵੇ ਸਵੇਰਾ ਸੁਖ ਦੁੱਖ ਸਭ ਤੇਰਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਕਣ ਕਣ ਵਿੱਚ ਤੇਰਾ ਦਿਸਦਾ ਏ ਬਸੇਰਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਾਂ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਾਂ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਵਾਲੀ ਰੁਤਬਾ ਤੇਰਾ ਆਲੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਵਾਲੀ ਤੇਰੀ ਸ਼ਾਨ ਨਿਰਾਲੀ ਮੋੜੇ ਨਾ ਖਾਲੀ ਕਰਦਾ ਲਜ ਪਾਲੀ ਵੰਡੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਡੁੱਬਦੀ ਤੂੰ ਸੰਭਾਲੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਾਂ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਾਂ ਦੁਖੀਆਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਸੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਿਆਰਾ ਜਦ ਜਦ ਦਿਲ ਹਾਰਾ ਤੈਨੂੰ ਹੀ ਪੁਕਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਸਾਰਾ ਦਿਲ ਜਾਨ ਵਿਹਾਰਾ ਡੁਗਰੀ ਦਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਸਵਰਗਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਪਿਆਰਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਾਂ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਾਂ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜ ਆਪ ਖਲੋਇਆ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜ ਆਪ ਗੁਰ ਸੁਖਦਾਈ ਕੀਤੀ ਸੁਨਵਾਈ ਤੁਸਾਂ ਦੇਰ ਨਾ ਲਾਈ ਹਰ ਪੀੜ ਮੁਕਾਈ ਕਿਸਮਤ ਚਮਕਾਈ ਔਕਾਤ ਬਣਾਈ ਇੱਜ਼ਤ ਦੀ ਕਮਾਈ ਚੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ
जय गुरु जी की। अब हम मंत्र जाप करेंगे।
नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी की।